अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो है वो मेंटल एडिशन पर है। अब ये मेंटल एडिशन ऐसी है कि आप ओरली आप इसको कर सकेंगे, एक सेकंड के अंदर, दो सेकंड के अंदर आप टू डिजिट, थ्री डिजिट का एडिशन कर सकते। पहले देखिए, हम जब ट्रेडिशनल मेथड से करते इस तरह से तो हमको ये बहुत हार्ड जाती। अब इस तरह से अगर हमने करते जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता। अब ये दोनों तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमको टफ जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आपका जो एडिशन है बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिसे हम मेंटल एडिशन कहते हैं। तो अब इसके लिए आपको ध्यान दीजिए, तो हमारे को सिंपल क्या करना है, हमको प्लेस वैल्यू याद रखना है। जैसा कि हम इकाई दाई सैकड़ा बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हम बोलते हैं यूनिट, टेन, हंड्रेड, ये प्लेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम प्लेस वैल्यू से एडिशन करेंगे जो कि मेंटल एडिशन कहलाते हैं, जो कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो ट्रिक है क्या है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पाँच है दो सात, ये सात नहीं है, सत्तर है। क्यों सत्तर है, क्योंकि जो टू और फाइव जो है तो टेन प्लेस पर है, इसलिए हम ये दस का जीरो लिखते हैं, ओके। और ये सात और दो नौ होते, सात और दो नौ, इसका मतलब 79, ओके। डायरेक्ट एडिशन, पाँच और दो सात, सात का जीरो सत्तर, और पाँच और दो सात और दो नौ 79। आए समझ में आपके, देख लीजिए और एक एग्जाम्पल, जैसा सेवन और सिक्स, छः छः बारह, बारह एक तेरह, तेरह के तेरह और ये जीरो, ओके, मतलब 130। और सात चार तीन सात, ये कितना होगा सात, मतलब ये होगा 137, कितना होगा 137। और एक एग्जांपल देखिए, अब देखिए छः और ये पाँच, छः और पाँच कितना होता है ग्यारह, ग्यारह नहीं मतलब 110। और आठ और चार बारह, आठ और चार बारह, मतलब 110 में बारह मिला तो 122, कितना होता है 122, ओके। अगर हम इसको इस तरीके से जाते हैं करने के लिए तो थोड़ा सा हमको तकलीफ जाती है। देखिए चार तीन सात, ओके, और ये छः और सात, ये होते तेरह, अभी लंबा जाता, ओके, इस तरह से लेना है, इसलिए डायरेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अब देखेंगे आप कि आठ पचासी और ये बत्तीस है, आठ और तीन क्या होते हैं ग्यारह, ग्यारह नहीं मतलब 110, पाँच और दो सात, ये कितना होता है 117, कितना होता है 117। जैसा इस तरह से देख लिए, अट्ठासी और यहाँ 44 रहे, आठ और चार बारह, बारह नहीं मतलब 120, फिर आठ और चार बारह, बारह इसमें एडिशन करने का, 120 में बारह करें 132, डायरेक्ट एडिशन होता है। मतलब हमको क्या समझना पड़ेंगे इसके लिए फार्मूला, कि 10 डिजिट के जो नंबर रहते इस तरह से, यहाँ पर जो नंबर है जैसा ये 10 प्लेस पर है, तो इसका डायरेक्ट एडिशन करना है आठ और सात, और इसके साथ में किसको 10 लिखना है, और ये आठ और चार बारह डायरेक्ट, ओके। आठ और सात कितना होता है, आठ और आठ सोलह होता है, लेकिन 15 मतलब 150, और ये 12, इस तरह 150 में 12 कर 162, ये डायरेक्ट एडिशन आता है। इससे मेंटल लेवल भी इम्प्रूवमेंट होता है और हमारा कैलकुलेशन भी फास्ट होता है, ओके। आई होप आपके समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे और दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब ये तीन डिजिट का एडिशन है। अब तीन डिजिट में क्या करना है आपको, डायरेक्टली 11 लेना है और ये 14 लेना है, 11 और 14, ओके। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम क्या करें, यूनिट 10 वाला पूरी पोजीशन ले रहे हैं। अब देखिए 11 और 14, ओके, और ये यूनिट पर है, मतलब ये 6 और 3 9, देखिए 6 और 3 9 डायरेक्टली। अब हम क्या करते हैं ऐसे, देखिए 4 और 1 5, मतलब ये 5 और ये 2 और ये 0, मतलब 250 और ये 9, देखिए ये कितना होगा, 4 और 1 5 और ये 2, 250 और ये 259, ये हमारा 259। अभी देखिए समझने के लिए हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है पहले कि भी हमारा वही मेथड सही था, लेकिन जब आपका दिमाग रोटेशन काम करने लग जाएगा जब, तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड कर लेंगे, और इसी से ही डेवलप होता है आपका, मेंटल लेवल बढ़ते रहता। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये 24 है और ये 14 है, इसको एक साथ लिख दो 24 प्लस 14, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, ओके। अब देखिए, अभी 24 और 14, 4 और 4 8, और ये 3 और ये 0 लग जाएगा, ये 0, ओके। अब यहाँ पे 9, ये क्या होगा 390 विदिन ए सेकंड, 24 लिए यहाँ 14 लिए, उसकी एडिशन 38, 0 लगा दिए और यहाँ का 9 लगा दिए, ओके। अब ये आपको होमवर्क करना है, ओके। इस तरह से आप सवाल बनाएंगे तो आपका परफेक्शन एक आला लेवल पर पहुँच जाएगा और आपका मेंटल मैथ परफेक्ट हो जाएगा। ये दो डिजिट है, तीन डिजिट है, आप फोर डिजिट का करके देखो, करते करते आपका मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। हमारा ये सीरीज शुरू करने का मकसद है कि आपके बेसिक कैलकुलेशन अच्छे हो, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आए।
आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी मैथमेटिक्स परफेक्ट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।